आस्था हॉस्पिटल, आस्था हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं कोमल ढांडा और आप देख रहे हैं एकेडी न्यूज़। जहां हमें पिछले दिनों कुछ न्यूज़ मिली थी कि जो आयुष्मान कार्ड है वो कई हॉस्पिटल्स में बंद कर दिया गया था, पर आज भी आस्था हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो यहीं आयुष्मान कार्ड के रिगार्डिंग एक पेशेंट यहाँ पहुँचे हैं आस्था हॉस्पिटल में, इन पेशेंट से हम बात करते हैं। नमस्कार। तो यहाँ क्या बेबी को क्या हुआ, आपको लड़का हुआ लड़की? लड़का हुआ। अच्छा, तो कितने दिन हो गए लड़के को? छोटा दिन है। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? उसको इन्फेक्शन हो गया था जो प्लेटलेट डाउन हो गया। अच्छा, तो यहाँ कैसा इलाज हुआ है यहाँ? बहुत बढ़िया इलाज हुआ है जी बच्चे तो का। खर्चा कितना है इसका? खर्चा कुछ को नहीं आया जी, आयुष्मान कार्ड चला है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड के रिगार्डिंग तो कोई खर्चा नहीं है? दवाई नहीं, का नहीं जी, कुछ भी नहीं। और नर्सरी में रखा है उसका कोई खर्चा? नहीं जी, कुछ भी नहीं आया। अच्छा, डॉक्टर वगैरह कैसे हैं यहाँ के? डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जी, डॉक्टर जी। और यहाँ का स्टाफ कैसा है? स्टाफ भी बढ़िया है। सर्विस कैसी लगी आपको? सर्विस भी बढ़िया लगी जी। इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी तो इनके फादर से बात करते हैं हम। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो क्या प्रॉब्लम थी आपके बच्चे को? मैडम, मेरे लड़के को इन्फेक्शन था और प्लेटलेट डाउन थी। 6 दिन पहले ये डिलीवरी हुई थी, तो संजीवनी हॉस्पिटल से हमने डिलीवरी करवाई। आस्था हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ आयुष्मान कार्ड की अच्छी सुविधा है, तो हम यहाँ लेके आए बच्चे को और आज हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छी तरह से इन्होंने, डॉक्टर ने और स्टाफ ने अच्छी केयर की है, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो आयुष्मान कार्ड है उसके तहत सारा काम हुआ है। मैं आयुष्मान कार्ड के लिए भी सरकार से धन्यवाद करता हूँ। ये हर किसी को ये सुविधा मिलनी चाहिए। और जो आयुष्मान की सुविधा जीन आस्था हॉस्पिटल में है, इसका लाखों बार धन्यवाद करते हैं हम। तो आस्था आयुष्मान कार्ड के रिगार्डिंग आस्था हॉस्पिटल में आपका इलाज हुआ? यस मैडम, आस्था हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं, कोई खर्चा नहीं हुआ हमारा, सिर्फ आयुष्मान कार्ड के तहत ही हुआ खर्चा सब। एनएससी में रखा है या फिर दवाइयों वगैरह का कोई खर्चा? कुछ नहीं खर्चा हुआ मैडम। अलग से फीस ली? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनका कोई? सब कुछ आयुष्मान कार्ड के तहत हुआ है। तो बहुत अच्छा है ये आस्था हॉस्पिटल में, जैसे पेमेंट मिलनी चाहिए और हॉस्पिटलों को भी चलाना चाहिए, हर बंदे को ये सुविधा मिलनी चाहिए। दूर दूर से लोग आते हैं और इलाज पाते हैं तो वो खुश होते हैं। अच्छा, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, क्योंकि आयुष्मान कार्ड के तहत हमारा इलाज हुआ तो, और ये आयुष्मान कार्डों की जो पेमेंट हैं वो डॉक्टर साहब को मिलनी चाहिए और हर गरीब का इसके तहत इलाज हो जाए टाइम से, डॉक्टर साहब को भी पेमेंट मिल जाए तो वो भी बच्चे को अच्छी तरह से देख रेख करे और आयुष्मान के तहत हर कार्य को सफलता मिले। तो आदमी को अच्छी सुविधा दी है सरकार ने, और ये जो डॉक्टर साहब ये आयुष्मान कार्ड के तहत अभी भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे शहरों में तो आयुष्मान कार्ड ही बंद कर दिए सरकार ने, पर अभी भी अच्छी सुविधा दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड के तहत ये आस्था हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब। तो जैसे कि हम पहुंचे थे आस्था हॉस्पिटल, यहाँ हमने बात की कुछ पेशेंट से जो कि आयुष्मान कार्ड के तहत यहाँ इलाज चल रहा है और यहाँ पर लोगों का इलाज बिल्कुल फ्री हो रहा है। जहाँ तक कि कुछ हॉस्पिटल्स की हमने न्यूज़ सुनी थी कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड अब चलना बंद हो गया है क्योंकि सरकार की तरफ से इनकी पेमेंट्स नहीं आ रही थी डॉक्टर्स की, पर आज भी आस्था हॉस्पिटल कंटिन्यू इस कार्ड को चलाते जा रहा है। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या आपकी आईसाइट में कोई प्रॉब्लम है, तो आज यहाँ आस्था हॉस्पिटल स्कीम नंबर 6 रजवाहा रोड जींद,